पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से छठे चरण में मतदाताओं से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर छठे चरण के लिए अपना वोट डालने के लिए दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे, जिसका वीडियो भी सामने आया है। हरियाणा के पूर्व सीएम और करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के करनाल में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वहीं कांग्रेस सीट से दिव्यांशु बुद्धि राजा को मैदान में उतारा गया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और आज 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 58 निर्वाचन क्षेत्रों पर मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि हम मेदिनीपुर सीट से जीत दर्ज कर रहे हैं। ये फीडबैक हमें ग्राउंड लेवल से प्राप्त हुआ है। वे प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है, जो विश्वास बन गया है, वह नहीं टूटेगा। और छठे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। पहले 2 चरण के बाद यह स्पष्ट हो गया कि दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर में हाफ हो चुकी है, इसलिए 4 जून को इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा और 4 तारीख को देश उन्हें अलविदा कह देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा गठबंधन दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक मतदान केंद्र पर तैयारी चल रही है, यहां मॉक पोल चल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में 2024 के आम चुनाव के छठे चरण में मतदान होगा और आम चुनाव के छठे चरण के लिए उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट पर भी मतदान शुरू हो चुका है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, तृणमूल कांग्रेस के ललितेश पति त्रिपाठी और भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव समेत 162 उम्मीदवारों की तकदीर आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।